आज हम एसएससी सीएचएसएल पेपर से जुड़ा इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे और ये जो एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई 2019 शिफ्ट वन में हुआ था। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है, इनमें ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके, और यदि सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर आप नो इम्प्रूवमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इन टू द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशंस एंड एयर पोल्यूशन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है टेंसेस से, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस सेंटेंस में ना ही तो कोई रूटीन की बात हो रही है और ना ही किसी हैबिट की, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का तो मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरी चॉइस इसमें क्या है, पास्ट इनडेफिनिट। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, प्रॉमिस टू लुक्स इन टू, ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन को अगर आप देखें प्रॉमिस्ड टू लुक इन टू, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यदि आप टेंसेस की नॉलेज लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक टेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जो ये आपको वर्ड दिया है आपको इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है ब्लर्ड, मतलब कि धुंधला, या फिर इसका ये भी एक मतलब होता है कि जब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो अचीव करने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं, इल्यूसिव कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीज़ ट्रू है, डेफिनेट है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है इनटेंजिबल, जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते या जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। और जो डी ऑप्शन है वो है वेग। वेग होता है एम्बिग्यूअस, या यूँ कहें कि जो कि क्लियरली या फिर फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्क्रीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आप ब्लैंक्स में भरना होगा। तो क्वेश्चन है वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन इन कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल एंड पावर प्रोवाइडेड डैश टू द होलसेल इन्फ्लेशन, कि एक बार फिर से जो हायर फूड इन्फ्लेशन है इन कॉम्बिनेशन विद व्हाट, फ्यूल एंड पावर, उसने क्या प्रोवाइड किया था, टू द होलसेल इन्फ्लेशन। अब ये जो हायर फूड इन्फ्लेशन है फ्यूल और पावर के कॉम्बिनेशन के साथ में, ये इम्प्रेशन तो नहीं देगा, ना ही इंस्पिरेशन देगा और ना ही इंसाइट। ये क्या करेगा, ये एक तरह से एक कॉज बनेगा, मतलब एक कारण बनेगा, ये यूँ कहिए कि एक फोर्स होगा जिससे हमारा होलसेल इन्फ्लेशन हुआ है, राइट। तो इम्पेटस का मतलब होता है ऐसा कारण या ऐसा फोर्स जिससे कि कोई भी चीज़ एकदम से या तो डेवलप होती है या यूँ कहें कि घटित होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक है उसमें आप ऑप्शन डी इम्पेटस को फिल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए इनको करने की स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम इसमें पेयर बनाते हैं और जैसे ही हमें पेयर दिखता है तुरंत हम उस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, ये होता है शॉर्टकट, राइट। और दूसरी चीज़ ये, आप इस क्वेश्चंस को तभी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि आपको रीडिंग की हैबिट है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको रीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो ए सेंटेंस है वो है यूजिंग मैचेस हाउ एवर केम मच लेटर।
इसका कहने का है कि जो मैचेस हैं, जो मैचेस है वो तो बहुत बाद में आई हैं, राइट। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड में बोलता है कि द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वॉज दैट ऑफ फायर, कि वो पहली महान डिस्कवरी, खोज जो कि आदमी ने शायद बनाई थी, वो आग की थी। ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो इसको हम होल्ड पर रख देते हैं। जो सी सेंटेंस है वो है, इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वर मेड बाय रबिंग टू फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क वॉज प्रोड्यूस्ड। पुराने समय में फायर्स को कैसे बनाया जाता था, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे जब तक कि कोई स्पार्क प्रोड्यूस ना हो जाए। अब देखिए, पहले फायर का जिक्र होगा और उसके बाद ही तरीका बताया जाएगा कि आखिर फायर को प्रोड्यूस कैसे किया जाता था। तो बी सी यहाँ पर एक पेयर बनता है, तो हम बी सी पेयर ढूंढते हैं कि क्या बी सी पेयर हमारे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, मगर डी में है, तो तुरंत हम ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे, राइट। लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा भी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर बोलता है, एंड दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ लीव्स और वुड, ठीक है। और इस स्पार्क, ये जो स्पार्क था, ये क्या करता था, सूखे झाड़ों को, पत्तियों को और लकड़ी को जला देता था। तो ये भी पहले स्पार्क आया, फिर उसी, ये जो दिस स्पार्क है, ये कौन सा स्पार्क है जिसका जिक्र सेंटेंस सी में किया है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ, बी सी डी ए, राइट। क्वेश्चन फाइव में आपको बताना है कि होप का एंटोनियम बताइए। तो देखिए, डेयरिंग, डेयरिंग क्या होता है कि साहस, करेज मीन्स भी होता है साहस, और डेस्पेयर क्या होता है, डेस्पेयर होता है ना उम्मीदी, होप होता है उम्मीद, और डेस्पेयर क्या होता है ना उम्मीद, कि यार अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ ठीक नहीं हो सकता, है ना। और कॉन्फिडेंस का मतलब हमें पता ही है, आत्मविश्वास। तो होप का एंटोनियम, या यूं कहें कि अपोजिट क्या होगा, वो होगा डेस्पेयर। अब है सिक्स्थ सेंटेंस। सिक्स्थ सेंटेंस में आपको जो गिवन सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बताना है। सेंटेंस है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। तो देखिए, डायरेक्ट क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है और सुनने वाला सामने खड़ा है, ओके। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर है उसकी बात हम जब किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछा था कि क्या तुम्हें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया है। तो क्या होता है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि इफ़ या वेदर से हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो इफ़ दिया हुआ है, तो सभी सेंटेंसेस में इफ़ है, ओके। उसके बाद यू को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में, राइट, ही में। चलिए अब देखिए, बाकी सारे सेंटेंस में ही है मगर डी में नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये है आपका प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली ये किस में हो जाएगा, पास्ट में होना चाहिए ये, ओके। तो आपका जो ए सेंटेंस है वो भी पास्ट में है, और जो सी सेंटेंस है वो भी पास्ट में है, है ना, लेकिन बी प्रेजेंट में है, तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें ए और सी में चूज करना है। तो देखिए, हम दोनों सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं। इफ़ ही हैड एनी आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट्स, ये तो ए सेंटेंस है, और सी सेंटेंस क्या है, ही हैड एनी आइडिया अबाउट दियर प्रोडक्ट्स। तो जो ए सेंटेंस है उसमें दियर प्रोडक्ट्स मिसिंग है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा सी, द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट दियर प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाना है। तो देखिए, सेंटेंस है, समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। तो इस सेंटेंस में जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम और एक अ न्यू केस। अ न्यू केस तो किसी भी चार सेंटेंस में उसने एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो उस पर तो हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए हिम पर।
जो गिवन सेंटेंस है उसमें हिम ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको उसको नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट करना होगा, और हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वो होता है ही। चारों सेंटेंसेस में ही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वॉज और वर का यूज सिर्फ सेंटेंस सी में दिया हुआ है, और ऐसा देखते ही हम ऑप्शन सी को क्लिक कर देंगे। ओके, अब देखिए ही है सिंगुलर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की वॉज, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, या यूं कहें पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो होता है गिवन। तो ही वॉज गिवन अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अगेन आपको चार जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनका आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस व्हेन वी रीच्ड अ थ्री रोड जंक्शन। हम ऑलरेडी आधा डिस्टेंस कवर कर चुके थे जब हम एक थ्री रोड जंक्शन पर पहुंचे, तो ये डेफिनेटली हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। दूसरा है कि आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस, कि मैं चिंतित था कि वो हमारे ऊपर कूद ना जाए। अब देखिए ये जो इट है ये है प्रनाउन, तो प्रनाउन से पहले कहीं ना कहीं इस इट का जिक्र हुआ होगा कि ये इट है क्या, मतलब नाउन का जिक्र हुआ होगा, राइट? तो ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब हम सी को देखें, बट थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड एंड इट गॉट लेफ्ट बिहाइंड। इसमें फिर से वही है कि इट का इट दिया हुआ है, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होना मुश्किल है कि हमें इट का पता होना चाहिए कि इट है किसके लिए। और डी सेंटेंस को अगर हम पढ़ें कि सडनली अ बार्किंग डॉग बिगेन टू चेज द बाइक फॉर सम डिस्टेंस, राइट? ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? सडनली, मतलब सडनली का यूज कब हम करते हैं कि पहले हम कोई चीज की बात कर रहे हैं और फिर एकदम से हम बोलें, एकदम शॉकिंग का जब हम फीलिंग लेने को आते हैं तब हम सडनली का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली इस डी से पहले भी कुछ हुआ होगा। ओके, तो हमें पता चला कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो डेफिनेटली क्या है, ए है। ओके, कि हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है जब हम थ्री रोड जंक्शन पर पहुंचे, और फिर क्या हुआ होगा कि सडनली एक बार्किंग डॉग ने हमारी बाइक को चेज करना, पकड़ना शुरू कर दिया, या यूं कहिए हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। तो ए डी का पेयर बन गया ना। अब देखिए ए ऑप्शन में ए डी नहीं है, ना ही बी ऑप्शन में है, ना ही सी ऑप्शन में है, मगर डी ऑप्शन में ए डी का पेयर दिया हुआ है, और ऐसा देखते ही हम ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे। ओके, और इसका मीनिंग मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि हम आधा डिस्टेंस कवर कर चुके थे जब हम थ्री रोड जंक्शन पर पहुँचे, उसके बाद अचानक से एक जो भोंकता हुआ कुत्ता है उसने हमारी बाइक को चेज़ किया, ठीक है? अब देखिए जब उसने चेज़ किया तो उन्हें चिंता हुई होगी कि कहीं ये हमारे ऊपर कूद ना जाए, तो फिर क्या आएगा, बी। और लास्ट में वो बोल रहे हैं कि थैंकफुली कि हमने स्पीड को पकड़ लिया और वो हमारे काफ़ी पीछे रह गया। ओके, तो क्या हुआ सीक्वेंस, ए डी बी सी। अब क्वेश्चन 9 है, इसमें आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि किस सेगमेंट में एरर है। तो सेंटेंस क्या है, शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशियंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्विजेशंस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर है वो है नाउन से रिलेटेड, और नाउन को मैंने इंग्लिश ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ाया है, तो यदि आपको नाउन का नॉलेज नहीं है या फिर आप इस सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नाउन से जुड़े जो कंसेप्ट्स हैं उनको आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एरर है टू प्रोड्यूस ऑप्शन वो भी ठीक है, जो बी ऑप्शन है शी वॉज अनेबल वो भी ठीक है, मगर जो सी ऑप्शन है सफिशियंट एविडेंसेस फॉर, यहाँ गलती है। क्या गलती है, देखिए जो एविडेंस होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, मगर उसने तो प्लूरल बना दिया, एविडेंसेस कर दिया, जो कि गलत है। सही क्या होगा, सफिशियंट एविडेंस, शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशियंट एविडेंस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। ओके, टेंथ सेंटेंस में आपको एक्यूरेट का सिनोनिम बताना है। देखिए रियल तो क्या होता है, असली, हकीकत, सिंसियर, ईमानदार, अपने काम में पंचुअल होना,
और जेन्युइन होता है कि हाँ कोई रियल रीज़न है। मतलब बात बन कहते हैं यार मेरे, मतलब तुम्हारा रीज़न जेन्युइन है, मतलब हाँ वाकई रियल है, ट्रू है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम बैठता है वो बैठता है प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 11th में भी आपको डेडिकेशन का सिनोनिम बताना है, और डेडिकेशन का सिनोनिम क्या होगा तो देखते हैं। ए ऑप्शन है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है वो खुशी जो कि आप फील करते हो जब जो भी आप चाहते हो वो सब आपके पास में है और आप अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग को, ऐसी खुशी को हम क्या कहते हैं, कंटेंटमेंट। और ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फियर या फिर नर्वसनेस, और डेटर्मिनेशन का मतलब आपको पता है दृढ़ निश्चय। और कमिटमेंट क्या होता है कि मैं आपकी मतलब किसी चीज़ के प्रति आपने प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ मैं इसको फॉलो करूँगा, राइट? तो डेडिकेशन और कमिटमेंट ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, कमिटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ये जो आपको गिवन ईडियम दी हुई है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। देखिए मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे ईडियम का मतलब होता है अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, मतलब जब आप आगे प्रोग्रेस ना कर पाए, उस मीनिंग को बताने के लिए आप ईडियम मेक नो हेडवे का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13th में क्या करना है कि अंडरलाइन आपको सेगमेंट दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि क्या आप गिवन ऑप्शन से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि माय प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइजेस व्हेन आई वाज राइटिंग माय रिसर्च पेपर। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी फिर से नाउन से रिलेटेड एरर है, क्योंकि एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल नहीं होता है, तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए माय प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। 14th सेंटेंस में बोलता है कि ये जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताइए। जो सेंटेंस है वो क्या है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, ऐसा बंदा जो कि फ्लावर्स को अरेंज करता है या और उनको बेचता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रिशनिस्ट, और एग्रीकल्चरिस्ट वो बंदा होता है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, और फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या है, वो बंदा जो कि फ्लावर्स को अरेंज करे या फिर उनको बेचता है, और बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट्स को स्टडी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन में आपसे फिर से पूछा है कि गिवन ईडियम का मतलब बताइए, और गिवन ईडियम क्या है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का ये मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी छुटकारा पा लें तो उसे हम क्या कहते हैं, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ क्विकली। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको चार स्पेलिंग्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन डी में जो स्पेलिंग लिखी है मैनेजेबल की, वही हमारी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी तीनों हमारी स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17th में आपको वही करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताइए। तो क्या है, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो कि मैप्स को ड्रॉ या प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। बाकी तो आपको वर्ड्स पता ही है, देखिए फोटोग्राफर भी आप जानते हैं जो फोटोग्राफ्स क्लिक करे, डिजाइनर, डिजाइनर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है वो ड्रेस डिजाइन करे या वेबसाइट डिजाइन करे या फिर कोई घर डिजाइन करे। और ड्राफ्ट्समैन क्या होता है, ड्राफ्ट्समैन वो व्यक्ति होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को एडिट करे या फिर लिखे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट्समैन। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से इस ब्लैंक को फिल कीजिए। तो सेंटेंस है, एज ही क्रॉस्ड द डेजर्ट ही नियरली डैश टू थर्स्ट व्हेन ही वॉज फोर्स टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 डेज एंड 5 नाइट्स।
ठीक है, जैसे ही उसने डेजर्ट को क्रॉस किया, वो लगभग किस क्या हो गया, प्यास से, कब, जब उसको फोर्स किया गया था कि बिना पानी के 4 दिन या 5 रात तक तुम्हें जाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सिकम। सिकम का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से लड़ने की भावना को एकदम हार जाएं और आप उसको अपना कंट्रोल दे दें कि भाई यार अब नहीं बस, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट होता है कि अफोर्ड करना, एग्जिस्ट करना या फिर रहना, राइट। सर्वाइवल का तो मतलब आपको पता ही है कि भाई मैं उस पर सर्वाइव कर रहा हूँ, उस जरस अमाउंट पर मैं रह रहा हूँ, निर्भर हूँ मैं। और सबमर्ज का मतलब होता है कि पानी में पूरी तरह से डूब जाना, राइट। उस चीज़ को कहते हैं ना कि कोई चीज़ पानी में बिल्कुल क्या हो गई है, सबमर्ज हो गई है। तो इसमें जो आप देखेंगे ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जो प्यास से जा रहा था, अब वो प्यास से लड़ नहीं पाया, वो हार गया है ना, उसने प्यास के आगे घुटने टेक दिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, सिकम। एज ही क्रॉस द डेजर्ट ही नियरली सिकम टू थर्स्ट व्हेन ही वाज फोर्स टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इन चारों स्पेलिंग्स में से कौन सी गलत है। तो देखिए, पहली ही स्पेलिंग हमारी गलत है, 40th की स्पेलिंग होती है FORTIETH, बल्कि उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है FORTIETH। बाकी जो 17th है, 15th है, 14th है, वो सभी स्पेलिंग्स हमारी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20th में फिर से वो क्या बोलते हैं कि आपको वो सेगमेंट बताना है जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है, द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। जो टीम थी उसने ये खोजना शुरू किया कि आखिर जो पुअर परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में रही है उसका कारण क्या है। तो देखिए, द टीम बिगेन, इसमें तो कोई एरर नहीं लग रही है। इन द टूर्नामेंट, इसमें भी नहीं है। सर्चिंग फॉर रीजंस, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मगर डी ऑप्शन, फॉर दियर पुअर परफॉर्मेंस, इसमें एरर है। वो क्या कि देखिए, टीम आपका कलेक्टिव नाउन है, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ दियर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। अब लास्ट जो है वो है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको उन ब्लैंक्स को एप्रोप्रिएट ऑप्शन की मदद से भरना होता है। तो इसको करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़कर उसका थीम समझने की कोशिश करेंगे। थीम का मतलब है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, चलिए। If winter seems to be the season for migratory birds to flock to warmer climates, summer time is ideal for wetland birds. यदि winters migratory birds के लिए warmer climate में जाने का season लगता है, तो summer time किसके लिए ideal है, वो है wetland birds के लिए। -50 kilometers from Warangal in Telangana, Pakhar Lake -to be playing host -5 variety of flora and fauna -season। 50 kilometer Warangal से जो Pakhar Lake है वो क्या करती है, टू बी प्लेइंग होस्ट, होस्ट का रोल प्ले कर रही होती है किसके लिए, वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। Wetland birds from north and central India come dash the south in search of larger water bodies. जो wetland birds हैं वो north और central India से south में आते हैं किसकी search में, किसकी खोज में, larger water bodies की खोज में। तो इस paragraph को पढ़कर हमें एक sense ये समझ में आता है कि यहाँ पर migratory birds को discuss किया है और उसी से related ये आपका paragraph है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन की चॉइसेस हम देखें, उसमें है टोटली बट नियरली नॉट, ठीक है। जो विंटर है वो सीजन क्या होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, कि वो वार्मर क्लाइमेट में जाएं। तो समर टाइम किसके लिए आइडल होता है, वेटलैंड बर्ड्स के लिए आइडल होता है। उसके बाद बोलते हैं कि डैश 50 किलोमीटर्स, अब हम एग्जैक्टली टोटली 50 किलोमीटर भी नहीं कह सकते, हम बट भी नहीं बोलेंगे, हम नॉट 50 किलोमीटर नहीं बोलेंगे। जो जो सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है, वो क्या बन रहा है, नियरली,
है ना, हम ऐसे बोलेंगे कि नियरली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वारांगल इन तेलंगाना पाखा लेक. अब सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या क्या चॉइसेस है, विल सीम्स, सीम्स, वॉज सीम्ड, सीम. अब देखिए ये जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो डेफिनेटली हम इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, फ्यूचर का नहीं होगा, पास्ट का नहीं होगा. अब प्रेजेंट में सीम्स है या फिर सीम है. जो पाखल लेक है वो सिंगुलर है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, वो आएगा सीम्स. तो होगा पाखल लेक सीम्स टू बी प्लेइंग होस्ट टू, क्या होता है, अ वाइड वेराइटी, अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फोर्थ ऑप्शन देखें, डियर, दीज, दिस, दैट. तो हमारे सामने वो सीजन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट. तो इसलिए हम क्या को बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस, की वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना दिस सीजन. वेटलैंड बर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम टूवर्ड्स द साउथ इन सर्च ऑफ लार्जर वाटर बॉडीज. ओके, तो देखिए यदि आप SSC से जुड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं और या फिर आप इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबलरी को बहुत ही सीधी साधी सरल भाषा में अपने ही मदर टंग में समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी ही मदर लैंग्वेज में इंग्लिश से जुड़े टॉपिक्स को स्टडी कर पाएँ, कॉन्फिडेंस से बोल पाएँ, साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम को वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकें और उसको क्रैक कर सकें. थैंक यू वेरी मच.